तो रायपुर में लॉकडाउन शुरू होते ही पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। रविवार शाम 5 बजे तक राजधानी में संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है और केवल दवा और दूध के लिए ही छूट दी गई है। साथ ही गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी भी की जा सकेगी। शहर के हर चौक चौराहों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और सड़कों पर आने जाने वालों पर भी निगरानी रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर कोरोना को हराने के लिए छत्तीसगढ़ में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू जी। उन्हीं से जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान सरकार की क्या कुछ व्यवस्थाएं रहने वाली हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, साहू जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़, हालांकि आपका बहुत स्वागत है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी राहत भरी खबर आई थी कि 10 में से 9 लोग अब स्वस्थ हो गए, घर चले गए, फिर अचानक कुछ होता है, कटघोरा से आ जाते हैं। कुल मिला के आपके यहाँ कितने जिले रेड जोन में आपने चिन्हित किए हैं? हमारे यहाँ अभी 36 रेड जोन में कितने जिले चिन्हांकित किए हैं उसको तो बता दूंगा जी, लेकिन पहले ये जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ टोटल 36 मरीज आए थे। हाँ। और उसमें से 24 स्वस्थ होके चले गए। हाँ। और 12 अभी इलाज चल रहा है। हाँ। और उनके भी जल्दी ठीक होके होने की उम्मीद है जी, बहुत अच्छी बात है। रेड जोन का है, हमारे यहाँ मात्र एक जिला रेड जोन घोषित हुआ है जी, बाकी सभी जिले ए में हैं, रेड जोन में नहीं है। वो कौन सा जिला है रेड जोन? कटघोरा जिसमें आता है? हाँ, कोरबा। कोरबा, कोरबा है रेड जोन में। कटघोरा एरिया हमारा ज्यादा प्रभावित हुआ है जी। जी जी, बोलिए। तो वही वही जो हॉट स्पॉट वही एरिया है जी, उसी को चिन्हांकित किए हैं। चलिए, तो जब ये जैसा कि कहा जा रहा है 20 अप्रैल से, प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ कहा है, 20 अप्रैल के बाद क्या कुछ छूट दी जाएगी? अभी जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जो बात कही और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी लगातार निगरानी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, परिस्थितियों का आंकलन कर रहे हैं जी। 20 तारीख तक के कार्यक्रम होने के बाद, आंकलन करने के बाद छूट दिया जाएगा। 20 तारीख से 3 तारीख के बीच कुछ जरूरी चीजों पर छूट होगा और 3 तारीख तक उसमें निर्णय करने के बाद परिस्थितियां जो बनेगी, फिर 3 तारीख के बाद विशेष तौर पर अलग से फिर चिन्हांकित कर छूट प्रदान किया जाएगा जी। जी, हालांकि ये सब्जेक्ट आपका नहीं है, जैसा कुछ कहा जा रहा था कि कुछ शिक्षण संस्थान या परीक्षाएं जो बाकी थी वो नहीं हो पाई थी, क्या उनकी परीक्षा, क्या जनरल प्रमोशन देने की बात हुई है, क्या 7वीं 8वीं 9वीं 11वीं जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनकी परीक्षाएं कुछ बाकी हैं तो वो कब होंगी, कुछ ये आप दे सकते हैं जानकारी? नहीं, अभी तो पूरी जान उस पर निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन परीक्षाएं कुछ की चल रही है जी। और ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रहा है जी। और अभी 20 तारीख तक का आंकलन करने के बाद बाकी इसको क्लास का प्रमोशन कर दिया गया है, एग्जाम नहीं होगा, तय सिर्फ करना है बोर्ड वाली चीज को। हाँ। कि बोर्ड क्लासेस जो है उसका एग्जाम किया जाए ना किया जाए, ऑनलाइन किया जाए, इस पर बात आएगी। जो 20 तारीख के बाद क्या स्थिति बनती है उसके अनुसार निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे जी। कई जगह ये भी देखने को मिला है, हालांकि छत्तीसगढ़ की स्थिति पूरे देश में काफी बेहतर स्थितियों में से है, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि लॉकडाउन जरूर है लेकिन फिर भी सीमाओं के इधर उधर लोग जा रहे हैं। सीमाओं से, सीमाओं में, इस जिले की सीमा से दूसरे जिले की सीमा में या दूसरे राज्य की सीमा से भी कुछ लोग आ जा रहे हैं।
नहीं, हमारे यहाँ स्पष्ट तौर पर एक जिले से दूसरे जिले की सीमा प्रतिबंधित है और परमिशन लेकर विशेष स्थितियों में जैसे इलाज के लिए है या और कुछ है उसमें आवागमन है, जिले के कलेक्टर और एसपी की जानकारी में उनका परमिशन मिलकर लेने के बाद, और अंतर्राज्यीय जो सीमा है उसको हमारे छत्तीसगढ़ के अगर लोग हैं और दूसरे प्रदेश से आए हैं तो हमारे सीमा में उनको रोक लिया जाता है और अपनी सीमा में आकर हम वहीं उनको रखते हैं, उनके घर आने नहीं देते। दूसरे राज्य से जो आते हैं हमारे राज्य में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही वहीं पर स्कूल या धर्मशाला या होटल या कुछ भी नहीं है तो टेंट लगाकर व्यवस्था किया गया है जहां उनको रोकते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था, पूरी निगरानी वहीं की जाती है, उसको अंदर नहीं लाया जाता। साहू जी, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये जमातियों की पनाहगाह बना दिया गया है छत्तीसगढ़, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इस अवसर पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर वो पनाहगाह बना दिया गया है छत्तीसगढ़ को जमात का बोलते हैं तो ये हुआ दिल्ली में है और दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है और केंद्र में भी हमारी सरकार नहीं है। और अगर इसको रोकना था तो दिल्ली में केंद्र की सरकार को रोकना था, और अगर ये भारतवर्ष में फैला तो इसकी सबसे बड़ी गलती केंद्र में भाजपा की जो सरकार है उसकी है, जिनकी जानकारी में नहीं आया, जिन्होंने कोई रोक नहीं लगाया, जो फैलने से नहीं रोका, ये उनकी है। पर मैं कहूंगा कि इस समय राजनीति ना करें, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जान की सुरक्षा करें, इलाज की बात करें, केंद्र सरकार राज्यों को पैकेज दे, आर्थिक स्थितियां हर राज्यों की गड़बड़ा रही है, वेतन देने के बाद, इलाज कराने के बाद, खाना खिलाने के बाद राज्य सरकारों को पैकेज दें, बात भर करने से नहीं होता। अभी तक किसी राज्य को किसी भी प्रकार का पैकेज केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मिला, न हमारे लघु उद्योगों को मिला, न बड़े उद्योग को मिला, न दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के लिए मिला, न स्वास्थ्य के लिए मिला, न राशन के लिए मिला। तो रिलीज करें वहां से, दिल्ली से पैकेज, ताकि राज्यों की हालत जरा ठीक रहे। जी साहू जी, एक यहाँ हालांकि यह हास्यास्पद सवाल है लेकिन फिर भी मौजूद है। इस दौरान जब से कोरोना का यह आया, लॉकडाउन आया, नेक्स्ट लाइटों की भी खबरें आनी बंद हो गई हैं, वो भी क्वारंटाइन में चले गए क्या नेक्स्ट लाइट? उसके विषय नक्सली मूवमेंट की, जी नक्सली मूवमेंट की खबरें आने बंद हो गई है, नक्सली भी क्वारंटाइन में चले गए। मैं चाहूंगा कि हमारी फोर्स लगातार अभियान में है जी, और हमारी फोर्स कभी कहीं कोई कमी नहीं कर रही है जी, और मैं समझता हूँ क्वारंटाइन में नक्सली चले गए हैं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गतिविधियां भी चलती रहती हैं, हमारी फोर्स की गतिविधियां भी चलती रहती हैं। अभी कल परसों फिर मुठभेड़ हुआ है, एक नक्सली का शव बरामद हुआ है, कुछ सामग्रियां बरामद हुई हैं, तो ये मूवमेंट तो चल रहा है जी। साहू जी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा केंद्र मदद नहीं कर रहा है कुछ चीजों को लेकर, कुछ राहत पैकेज को लेकर, स्वास्थ्य मंत्री का वही कहना था कि केंद्र पूरा सहयोग कर रहा है और मिलकर काम करेंगे, जब कुछ मेडिकल सहायता केंद्र सहयोग कर रहा है, जो सामान वो किट पैकेज क्या क्या भेजे उसकी बात है वो, जी जी मैं वही जिक्र कर रहा था। लेकिन आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अभी तक किसी भी, हमारे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश को कोई राहत पैकेज केंद्र के द्वारा मेरी जानकारी में अब तक नहीं हुआ है। ये अभी तो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सब कोरोना से लड़ रहे हैं, आगे चल के वो पैकेज की बात होगी, हो सकता है दे भी, लेकिन फिलहाल तो अभी वो भी लड़ रहे हैं, दिल्ली भी लड़ रहे हैं, चाहे यहाँ बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, मध्य प्रदेश की तो जब से बीजेपी और बुरी स्थिति में है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे पुलिस परिवार और स्वास्थ्य परिवार को अलग करें, पुलिस कर्मी प्रभावित हुए हैं कोरोना से, उसके बाद उनके परिवार प्रभावित हुए हैं, तो आपने ऐसा क्या किया है कि आपके यहाँ पुलिस कर्मी कोई प्रभावित नहीं दिखा? देखिए, मैंने पहले इसीलिए कहा कि यह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करने की चीज है,
जब आपने प्रश्न किया कि भाजपा वाले ऐसा आरोप लगा रहे हैं, तो मैंने ये बात कहा जी। अभी केंद्र भी लड़ रहा है, राज्य भी लड़ रहा है, इस प्रकार की लड़ाई लड़ती रहनी चाहिए जी। आपने जो दूसरा प्रश्न किया स्वास्थ्य कर्मचारियों का और पुलिस के कर्मचारियों का, दूसरे जगह पर वो प्रभावित हो रहे हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने शुरू से स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है, और गृह मंत्री के नाते मैं भी ध्यान दे रहा हूँ अपने सभी अधिकारियों का। आज ही मैं पूरे प्रदेश के सभी जिले के पुलिस अधीक्षक और आईजी से बात किया कि आप दौरा करते हो तो हम अपने छोटे कर्मचारी जो पॉइंट में, बैरियर में, चौक में लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, उनको हम ड्यूटी के विषय में पूछते हैं। मैंने पुलिस अधीक्षकों से कहा आप उनकी व्यक्तिगत समस्या भी पूछिए कि उनको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, चाय मिल रहा है नहीं, पानी मिल रहा है नहीं, भोजन मिल रहा है नहीं। हम लोगों ने अपने पुलिस जो ड्यूटी में है उनके पूरे इलाज की व्यवस्था रखी है, उनका चेकिंग करवा रहे हैं, बराबर जांच करवाते जा रहे हैं, परिवार की भी देखभाल उनके करते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल के हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और अधिकारी कर्मचारी, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे चीफ सेक्रेटरी, सभी उसमें लगे हुए हैं और सब बराबर निगरानी कर रहे हैं। जो अमला जो कोरोना के लड़ाई में है, पुलिस हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे कृषि विभाग हो, जो जो विभाग नगरी प्रशासन हो, लगे हुए हैं और सभी के मंत्री, सभी के अधिकारी और सबसे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश, सब लोग बराबर उनके जो लगे हुए हैं कोरोना से लड़ाई के, उनके भी स्वास्थ्य के पर ध्यान दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ बड़ी विशेषता है। साहू जी, जिस तरीके से 20 तारीख के बाद लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, छत्तीसगढ़ में जानना चाहूंगा किन सेक्टरों में छूट दी जाएगी किसानों के लिए, चूंकि किसान कृषि प्रदेश है, वो प्रधान देश, और ऐसे वहां पर किसानों के लिए क्या कुछ रियायत दी जाने वाली है? देखिए, 20 तारीख के बाद जो 3 तारीख तक छूट वाला जहां तक प्रश्न है, हमारे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो छूट दिया हुआ है केंद्र से, आज ही प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा था कि दूसरे दिन गाइडलाइन जारी होगा, आज ही केंद्र का गाइडलाइन आया है और अभी राज्यों को मिला है, हमारे राज्य में भी अभी आया है और अभी वो पूरा सर्कुलेट हुआ नहीं है। मेरे हाथ में तो है पर अभी मैं पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ कि क्या क्या सब्सिडी, क्या क्या छूट किन किन चीजों में है, पर आंशिक रूप से मैं देख रहा था तो जैसे उसमें छूट जो दिया जा रहा है, एक कृषि के क्षेत्र में छूट दिया जा रहा है लॉकडाउन 20 से 3 के बीच में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में छूट दिया जाएगा, सभी स्वास्थ्य सेवा शासकीय निजी आयुष चालू रहेगा, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन, डिस्पेंसरी, दवा दुकान, केमिस्ट, फार्मेसी, मेडिकल लैब, कलेक्शन सेंटर, रिसर्च सेंटर, वेटनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी, निजी संस्थान, दवा, मेडिकल, ये सब उसमें चालू रहेगा। कृषि क्षेत्र में भी किसानों द्वारा जो कृषि गतिविधि है, कृषि मजदूर खेत में कृषि कार्य, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर एजेंसी द्वारा कृषि उत्पादों के खरीदी, मंडी बोर्ड द्वारा कृषि मशीनरी विक्रय का दुकान, मछली पालन का और बगान संबंधी, पशुपालन संबंधी, बैंकिंग क्षेत्र का है, सहकारी क्षेत्र का है, ये सभी क्षेत्रों में, और भी जैसे मनरेगा कार्य है डिस्टेंस बनाकर करने के लिए, राज्यों के भीतर अंतरराज्यीय माल परिवहन का, उनकी लोडिंग का, अनलोडिंग का, बहुत सारे चीज हैं जो 20 तारीख से 3 तारीख के बीच छूट दिया जाएगा, कुछ शर्तों के अधीन होगा। वाणिज्यिक एवं निजी संस्थान है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसार, आईटी, सभी क्षेत्र का है, उद्योग, औद्योगिक संस्थान, शासकीय निजी, बहुत सारे हैं। चलते आप छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? और दूसरा एक सवाल जो बहुत, कि कटघोरा में जो 27 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, क्या एक ही परिवार से जुड़े और उनके संपर्क वाले हैं, और वो कौन है?
अभी जानकारी उसकी जुटा रहे हैं, उसका कोरोना जो कटघोड़ा वाला कि एक ही परिवार के हैं कि आके एक ही जगह रुके थे कि संपर्क के हैं, अभी पूरी क्योंकि कौन किसके संपर्क में आया, वो व्यक्ति किसके किसके संपर्क में आया, वो रहते कहाँ हैं, गए कहाँ, पांच करीब करीब का है अभी जानकारी में, पर पूरी जानकारी अभी और ले रहे हैं, ये नंबर एक। और दूसरी बात जो आपने कही आखिरी में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कुछ कहने की बात, तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता से अपील करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका पालन करें, क्योंकि हमारा मानना है कि ये हम लोग जो छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश जो है या हमारा प्रशासन जो कर रहा है वो आपके लिए कर रहा है, आपका जीवन बहुमूल्य है, हमारे लिए भी, सरकार के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी, इसलिए लॉकडाउन का पालन करें, पूरे नियमों का पालन करें, आप सुरक्षित रहें, ये मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई भी देता हूं कि पूरे निर्देशों का उनने पालन किया। जी साहब जी, अंतिम सवाल कि जो लोग विदेश से आए हैं उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी, क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है राज्य सरकार की तरफ से? देखिए, विदेशों से जो आए हैं उसके लिए जो एडवाइजरी है, अगर वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बात कही गई है कि उनके देश की तरफ से जब बात आ जाए कि वो जाना चाहते हैं तो हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो विदेश मंत्रालय उस पर निर्णय करेगा, जो जाना चाहते हैं उसको पहली बात जांच किया जाएगा और वो पूरी तौर पर ठीक पाए जाएंगे, कोई पॉजिटिव नहीं है तो उनको जाने की अनुमति दी जाएगी और उनके लिए जो फ्लाइट की व्यवस्था की जाएगी उनके देश के यहाँ दूतावास है उनसे चर्चा करके, जहाँ पे वो रुके हैं वहाँ से एयरपोर्ट आने के लिए गाड़ी की जो परमिट दी जाएगी, ये सब उनके दूतावास और हमारा विदेश विभाग दोनों मिलकर सामने बैठकर रूल्स के अनुसार उनको भेजने की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तामजद साहू जी, तमाम जानकारी और साथ ही साथ हमसे चर्चा करने के लिए वक्त निकालेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ हर वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके छत्तीसगढ़ कोरोना से दूर रहे या फिर वहां के लोग इससे संक्रमित ना हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो प्रशासन का विभाग, चाहे यहाँ पर पुलिस प्रशासन हो, हर एक वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वहां पर अंकुश लगाया जा सके। और हालांकि वहां का स्वास्थ्य विभाग भी इस पर अंकुश लगा भी चुका है, तकरीबन आधे से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, कुछ 10 से 12 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चला, वो भी जल्द ठीक हो जाएंगे। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।